तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं काफ़ी कम वीडियो व्लॉगिंग करने लग गया हूँ आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, एक और थोड़ा यूनिक सा एक्सपेरिमेंट या एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर बस हमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही यूज़फुल थिंग मिलेगी, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कार्स में होता है हमारे पास, लग्जरी कार्स में होता है, शायद उनमें भी नहीं होता फ्रेंड्स, बट ठीक है, मेरी इमेजिनेशन है, मेरे को ये चीज़ चाहिए थी तो मैंने बना ली। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। हमें क्या करना है इसके अंदर, अपनी बलिनों में, ठीक है, अपनी प्यारी बेबी बलिनों में हमें एक वाटर डिस्पेंसर सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बाकी सब आपको मिल जाएगा, वो है फ्रेंड्स ये छोटा सा पम्प, ठीक है। ये 6 to 9 volts पे चलता है ये पम्प, ठीक है। 5 volts पे भी आप चला सकते हो इसे, मोबाइल वाला जो चार्जर वाला करंट होता है उस पर भी, ठीक है। तो ये पम्प चाहिए फ्रेंड्स, ये पम्प चाहिए, और साथ में इसकी छोटी सी पाइप आती है, ये पाइप हमें चाहिए, ठीक है। ये पाइप हमें बिल्कुल मतलब बीच में से अनजॉइंट, मतलब स्ट्रेट पाइप चाहिए एक, जो हमें इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहला पार्ट फ्रेंड्स हमें ये पम्प है, ये चाहिए। ये 100 rupees का फ्रेंड मुझे मिला है, साथ में ये सैम्पल पाइप का पीस मिला है, ठीक है, ये मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद ये पम्प क्या है, सबमर्सिबल पम्प है, ठीक है, सबमर्सिबल पम्प है। इस सबमर्सिबल पम्प में क्या होता है कि ये हमारा इनपुट एरिया होता है, ठीक है। इसको हम जैसे कूलर वाला टुल्लू पम्प होता है, छोटे वाला जो आपको पता है AC वोल्ट से चलता है, ये DC पम्प है फ्रेंड्स, वही सेम चीज़। और ये आप एक्स्ट्रा बाय करके रखना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये आइटम जो है ज़्यादा वो नहीं लग रहा कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट हाँ ठीक है, मैंने भी 2 बाय करे कि चलो एक ख़राब होगा तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल होगा सेकेंड इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ये बिस्लरी वाली बॉटल, ठीक है, ये फिल्ड अप है पूरी की पूरी। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस सारे सिस्टम को इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ है, हैंडल भी है इसके साथ में, यही मुझे चीज़ मिली है। और जो आपको पता है हमारे बलिनों की जो डिक्की में बैक साइड पे शॉकर वाला एरिया खाली होता है, आपको मालूम होगा एक थोड़ा सा एरिया शॉकर वाला जो होता है शॉकर के साथ में पीछे बॉडी में, वो एम्प्टी होता है। तो वहाँ पर मैं इसे मतलब रखूँगा, और ऐसे रखना है फ्रेंड्स कि ये गिरे ना इधर उधर, ठीक है। या तो आप इसको हैंग कर दो या कुछ कर दो, ये गिरे ना, ठीक है। और 5 liters की फ्रेंड्स इसकी कैपेसिटी है, सफिशेंट है, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। और ये आपको 70 rupees की मिलती है फ्रेंड्स, ये बॉटल फिल्ड, वाटर फिल्ड, चाहे इसे आप रीयूज़ करते रहो, चाहे आप चेंज करते रहो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। खुद कैप खोल के हम इसमें पानी डालेंगे, इसे बंद कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए फ्लैट वायर, नॉर्मल कॉपर वाली जो फ्लैट वायर होती है वो चाहिए, और कुछ जिप टायर्स वगैरह होगी, श्रिंक ट्यूब्स होगी, नॉर्मल ये तो आपको पता है चीज़ें, सोल्डरिंग आयरन होगी। और फ्रेंड्स ये इस तरह के कुछ स्विचेस मैं लेकर आया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पुश बटन स्विचेस लेकर आया था, ठीक है। कम वोल्टेज पे वर्क करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेते क्योंकि हमें भी ऑन ऑफ करना है सिर्फ। तो फ्रेंड्स ये वाला स्विच मुझे काफ़ी आइडल लगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसे मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। USB पावर्ड भी बना सकते हैं कि USB से चले वो, ठीक है, ताकि आपको कुछ कटिंग वगैरह ना करनी पड़े वायरिंग में, तो उससे भी हो जाएगा कि आपका जो पेन ड्राइव वाला USB पोर्ट है वहाँ से करंट उठा के भी चल सकता है ये, ठीक है। और ये स्विच हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी काम मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स इतना काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पंप है, सबमर्स्ड है, इसके साथ ये पाइप आ रही है ऊपर, ये कैप में होल है एक छोटा सा, उसके अंदर से पाइप एंड ये फ्लैट वायर के कनेक्शंस जो है वो निकल रहे हैं। और ये मैंने फ्रेंड्स 5 meters जो है वायर बाई करी है, और 5 meters ही मैंने ये बाई किया है, लगेगी इससे कम, अप्रॉक्सीमेटली 3 meters के अराउंड ही लगेगा जो हमारा ये स्टफ है, बट मैंने फिर भी एक्स्ट्रा बाय करा ताकि अभी मुझे लेंथ नहीं पता कि अंदर कितनी पाइप घुमानी पड़ेगी, कितनी वायर्स घुमानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो ये वाला कनेक्शन है ये बेसिकली मोटर के पॉजिटिव नेगेटिव है, बस इसको मैं पील ऑफ करके इसमें कनेक्शन देकर और कनेक्ट करके वो स्विच लगा देना है मुझे, ठीक है। बस अब होगा क्या, सिंपल इसमें हम रिफिल करेंगे, यहाँ से कैप ओपन करेंगे, यहाँ से इस तरीके से कैप ओपन करके हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ये जिप टाई से मैंने इसे टाई किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग ट्यूब्स एंड वो लगा के ब्लैक टेप से कनेक्शन किया हुआ है मोटर का, बस ये अंदर आप देख सकते हैं कि सबमर्ज करके इसे हमें यूज़ करना। इवन आप 2 भी इंस्टॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, दोनों तरफ एक एक बॉटल इंस्टॉल कर दो, वायरिंग डालो, ठीक है, तो आप वो भी
प्रोसेस कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट, आई थिंक मेरे 500 रुपीज़ भी नहीं लगेंगे टोटल इसके अंदर, ठीक है। मोटर्स वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करके, बॉटल पाइप, ये फ्रेंड्स जो पाइप है ये मिली है मुझे 20 रुपीज़ पर मीटर, वायर मिली है फ्रेंड्स मुझे 15 रुपीज़ पर मीटर यहाँ पे। और फ्रेंड्स जब भी गाड़ी में आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो हमेशा प्योर कॉपर की वायर ही लेके आना, ठीक है, कि आप उस चीज़ में कभी वायरिंग में कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको पता है कि वेदर बाहर होती है गाड़ी, ठीक है, वेदर, रेन, सनलाइट, सब कुछ उसको मतलब सहना पड़ता है, तो वायर आपकी करोड़ हो सकती है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है फ्रेंड्स कि वायर मैं बेकार लेकर आता हूँ अगर, तो मुझे सारी वायरिंग बाद में चेंज करनी ही पड़ती है। प्योर कॉपर होगा फ्रेंड्स, करोड़ नहीं होगा। ऐसे भी यहाँ पे वाटर में सबमर्ज होगी वायर, तो थोड़ा मॉइस्चर से ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप एम्पलीफायर की वायर डालते हो ना, पावर केबल, ठीक है, डोर्स के नीचे नीचे से एम्पलीफायर की पावर केबल डालते हैं हम लोग इतनी मोटी, बस वही सेम काम ही हमें करना है, कुछ नया नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये बॉटल फिल करी यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी फिल करा, और क्योंकि इस बॉटल के साथ हैंडल है तो मैं इसे इजीली यहाँ पर टक इन करके, और मैंने ये स्क्रू यहाँ पे वूफर बॉक्स पे स्क्रू लगा दिया। फ्रेंड्स वो कॉर्नर पे आप लोग रख सकते हैं, इस कॉर्नर पे इस बॉटल को रख सकते हैं, बट मेरे पास आप देख सकते हैं दो ये मेरे पास सब वूफर बॉक्सेस है, तो इसलिए मेरे पास वहाँ कॉर्नर पे थोड़ा क्लमजी सा हो रहा था इसे पुट करना, इसलिए मैंने यहीं पर डायरेक्ट इसे पुट किया। और ये मैंने एक बड़ा सा नेल इस पर लगा दिया है जो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, जिस पे ये हैंग हो गया तो ये इधर उधर नहीं जाएगी। और फ्रेंड्स ये है हमारा वो पंप, हम इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, और ये यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको टाइट कर देंगे। अब क्योंकि इसमें होल है और ये मूवेबल है तो ये इजीली ऐसे बंद हो जाता है। और फ्रेंड्स ये मेरे पास प्रोसेस ये लास्ट यहाँ पे हो गया। फिर फ्रेंड्स ये आपकी जो पाइप है ये कहाँ पर जा रही है, ये फ्रेंड्स जा रही है जैसे आपने एम्पलीफायर वूफर की वायर डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस वायर को डालना है, ठीक है। एम्पलीफायर की वूफर्स की जैसे पावर केबल डालते हैं, तो वही सीट में से यहाँ निकलते हुए यहाँ पर इसके नीचे से, ठीक है, आप इसको पुट कर सकते हैं। ये देखिए ये वायर जा रही है, वायर प्लस पाइप, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बंद हो गया। और इसके बाद आगे फ्रेंड्स मैंने पार्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये वायर जा रही है, पाइप जा रही है, ठीक है, और इसे आप यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये पार्ट यहाँ पे ओपन किया है, इसको भी मैं फाइनलाइज कर देता हूँ, ये थोड़ा डर्टी है अभी, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से बंद हो जाता है। बहुत इजी प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, मारुति के पार्ट्स खोलना बहुत आसान है। और ये मेरा सीट कवर 70 मैट्स लग। चलिए अब मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये पाइप को निकाला है, इस कॉर्नर में एक जगह होती है थोड़ी सी हमारे पास, वहाँ से इस पाइप को निकाल कर, और सिर्फ पाइप आ रही है फ्रेंड्स इसमें, इस पार्ट के अंदर सिर्फ पाइप आ रही है। और मैंने इस पाइप को इसके बीच में ना, आप एक वो जैसे हमारे पास कपड़े सुखाने वाली वायर होती है ना फ्रेंड्स, जो आयरन वायर होती है, मतलब जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, प्लेन आयरन वायर जो होती है, वो इसमें डाली है ताकि पाइप की शेप हो जाए, शेप ऐसी हो जाए कि वो नीचे डाउनवर्ड फेस करे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो वो पाइप आपको पता है वो फ्लेक्सिबल सी होती है, वो कहीं मतलब कैसे भी आप मोड़ लो वो वापस सीधी हो जाती है। तो ये शेप बनाने के लिए ना फ्रेंड्स मैंने ये वाली शेप जो है उसमें एक कपड़े की वायर इंसर्ट करी, यहाँ पे मैंने डक्ट टेप लगाई, और ये जो फ्रेंड्स एम्पलीफायर की जो वायर्स होती हैं उसको कवर करने के लिए ये स्लीव आती है जो फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्रेंड्स इस स्लीव के अंदर क्या है, इस स्लीव के अंदर एक कपड़े की वायर है जैसे एल शेप में बेंड है, और पानी वाली जो पाइप है वो है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर पाइप डालेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ तक आप लेकर आएंगे पाइप को इस जगह तक, फिर आप कोशिश करिए कि आप ऊपर से मत लेकर जाए, यहाँ से पाइप को मत लेकर जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, तो कोई चूहा वगैरह आ गया पानी का, उसने कुछ काट दिया अगर पाइप बीच में, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड्स क्या करा है, मैंने इस मैट के नीचे से पाइप डाली है, और पाइप पे ना ऐसे सर्कुलर राउंड्स बनाए हैं, लूप्स बनाए हैं अंदर, लूप्स बना के ठीक है, ऐसे लूप्स बनाकर गोल गोल, मैं आपको दिखाता हूँ मैट के नीचे, आप ये देख सकते हैं ये पाइप जा रही है, और इसके आगे यहाँ पर लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, लूप्स बनाकर ये ऊपर आई है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप पंप चलाएंगे
पंप से लाने के बाद आपने पानी ले लिया, बट पाइप के अंदर फिर भी पानी रह जाता है, ठीक है। 3-4 मीटर लंबी पाइप है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर 1/2 लीटर के आसपास पानी होता है। तो जब आप ब्रेक करेंगे ना, तो पानी बैक आएगा आगे को, ठीक है, मतलब पानी लीक करेगा आगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये परफेक्ट एक पेन का कैप ढूंढा है। ये पेन का कैप, ये इसके ऊपर ऐसे लग जाता है। कोई और अल्टरनेटिव हो फ्रेंड्स, या जैसे RO के ऊपर लगा होता है एक ब्लू कलर का कैप, आप वो लगा सकते हो, तो पानी बैक नहीं आता। तो दोनों प्रिकॉशंस लेनी है। पानी की पाइप आपको फ्लोर में से डालनी है, ताकि ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए कल को अगर पानी पाइप कट जाए या चूहा काट दे कुछ भी। बाकी फ्रेंड्स ये पाइप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कटती तो नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इसकी वायरिंग करी है मैंने, वायरिंग करी है फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने डायरेक्ट इग्निशन से, जो आप सेकंड लेवल स्विच ऑन करते हैं जब हमारा स्टीरियो ऑन होता है, डायरेक्ट इग्निशन से मैंने एक 5 वोल्ट का USB सर्किट लगाया है। उसका लिंक फ्रेंड्स मैं Amazon का लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट जाएंगी और उस पर USB सॉकेट लगी हुई है। उस USB सॉकेट पे मैंने क्या करा फ्रेंड्स, जो इस मोटर का कनेक्शन है वो उसमें लगा दिया, और उससे मैंने सीरीज में ये स्विच लगा दिया। यहाँ पर आप ये स्विच देख सकते हैं, ये भी फ्रेंड्स MCL ब्लैक कलर की MCL से मैंने स्विच लगाया है। यहाँ पर इसको चिपका दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स गाड़ी के इंटीरियर में मैं MCL इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी, क्योंकि ये गाड़ी के खुद के इंटीरियर को ख़राब नहीं करती। आप फेवी बॉन्ड डालेंगे, फेवी क्विक डालेंगे, तो वो सारा ख़राब कर देगी आपके ये प्लास्टिक पार्ट को, रैश आ जाएगा उसके ऊपर, स्टेन आ जाएगा, मिटेगा भी नहीं। बट MCL का क्या है फ्रेंड्स, आप इजीली तारपिन तेल से या पेट्रोल से इसको पॉप करके निकाल दो, उसके बाद साफ कर दो, तो आपकी नई गाड़ी जैसे थी वैसे आ जाएगा ये। तो MCL का फ्रेंड्स ये फायदा है। ये तो फ्रेंड्स इसके पीछे तो इवन ये निकल भी गया था एक और पार्ट, तो मैंने डबल टेप भी लगाई है इसके पीछे, यहाँ पर डबल टेप से चिपका हुआ है ये, तो ये गिरता नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वाला जो लास्ट पार्ट है ना वीडियो का, ये फ्रेंड्स मैं इसे एटलीस्ट 2 से 3 महीने यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, हाईवे राइड्स पर जाने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी में बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो बहुत ईजीली पानी की मतलब जो है सप्लाई हमें मिल जाती है। हमें बार बार रुक के बॉटल्स नहीं बाय करनी पड़ती, ना ही हमें बॉटल्स जो हैं अपने डोर पॉकेट्स में, बॉटल होल्डर्स में कुछ रखना पड़ता है, सब पानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो लोग पार्टी करते हैं, कारोबार बनाते हैं, कार पार्टी करते हैं, उनके लिए तो वैसे ही बहुत काम की चीज़ है, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल हमने यहाँ पे कप होल्डर में ग्लास रखना है, जैसे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और हमने इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद हमने क्या करना है, ये बटन प्रेस करना है और इसको पानी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ही करके। तो फ्रेंड्स अब इग्निशन ऑन है और उसकी आप देख सकते हैं मैंने कि रेड लाइट भी लगाई है, ये रात को काफ़ी हेल्प करती है अंधेरे में। और हम ग्लास रखेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो हमारा पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फ्लो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम लगता है फिलअप होने में, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, ये यूनिक एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।